दोस्तों आज हम लोग यहाँ पे वन दरोगा में सेट 10वां देखते हैं। ठीक है, ये टॉप 50 क्वेश्चंस का सीरीज चल रही है और ये 10वां सेट है। चलिए पहला प्रश्न है, निम्न में ठंड प्रतिरोधक वृक्ष कौन सा है? ठीक है, निम्न में से ठंड प्रतिरोधक वृक्ष कौन सा ये है? पहला ऑप्शन है यूकेलिप्टस, दूसरा ऑप्शन है सागौन और तीसरा ऑप्शन है चंदन और चौथा ऑप्शन है पीपल। तो हम लोग को बताना है ठंड प्रतिरोधक वृक्ष कौन सा, तो इसका आंसर हो जाएगा ई वाला, यूकेलिप्टस जो है ये ठंड प्रतिरोधक आपका वृक्ष है। अगला नंबर दो है, वन दरोगा भारतीय वन अधिनियम की किस धारा के तहत बहती लकड़ी के दावे का निस्तारण करता है? तो इसका ऑप्शन है ए 45, बी 46, सी 50 और डी 52। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा बी वाला 46। धारा 46 के तहत जो है वन दरोगा जो है ये बहती हुई लकड़ी का निस्तारण करता है। अगला है, अकाल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? जैसलमेर, रणथंबोर, मुकंदरा या सिसका? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा ए वाला, जैसलमेर में। अगला चौथा प्रश्न है, किस प्रकार के पानी में ऑक्सीजन कम घुलनशील होती है? गर्म, ठंडा, लवणी या कोई नहीं? किस प्रकार के पानी में ऑक्सीजन कम घुलनशील होती है ये पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, गर्म। अगला है, पांचवा प्रश्न है, बेंथिक समुदाय क्या है? मूंगा, चट्टान के प्रकार या बी ऑप्शन है लवणी मृदा या सी ऑप्शन है सागर के तल का समीप रहने वाले पादप व जंतु, सागर के तल के समीप रहने वाले पादप व जंतु और डी ऑप्शन है उथले समुद्र में रहने वाला पादप व जंतु। तो बेंथिक समुदाय, मतलब कि बेंथिक किसे बोलते हैं ये पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पांचवें का आंसर हो जाएगा सी वाला, मतलब कि सागर के तल के समीप रहने वाले पादप व जंतु, सी आंसर सही होगा। अगला छठा प्रश्न है, 1927 की किस धारा के तहत वृक्षों को काटने और उसको नुकसान पहुंचाने पर दंड देने का अधिकार है? धारा 33, धारा 32, धारा 30 या धारा 29? तो छठे का आंसर हो जाएगा सी वाला, क्या धारा 30 के तहत। ठीक, धारा 30 के तहत जो है वृक्षों को काटने और उसको नुकसान पहुंचाने पर दंड देने का अधिकार है। अगला प्रश्न सातवां, उत्तर प्रदेश अधिनियम 1976 के तहत वयस्क व्यक्ति की मृत्यु वन्य जीव द्वारा होने पर कितना मुआवजा देने का प्रावधान है? 50,000, 1,00,000, 1.5 लाख या 75,000? तो सात का आंसर हो जाएगा ये वाला, 50,000। अगला प्रश्न है, वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? 5 वर्ष, 7 वर्ष, 4 वर्ष या 2 वर्ष? तो आठ का आंसर हो जाएगा ये वाला, 5 वर्ष। अगला प्रश्न है नंबर नौवा, पौधों के किस पोषक तत्वों को एनर्जी करेंसी की संख्या दी जाती है? देखिए, फास्फोरस, नाइट्रोजन, पोटेशियम या यूरिया? तो नौवे का आंसर हो जाएगा ए वाला, फास्फोरस। अगला है दसवां है, हाल ही में लंबे अंतराल के बाद तेंदुए की उपस्थिति के कारण चर्चा में रहा असोला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य के कहाँ स्थित है? झारखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश? तो 10 का आंसर हो जाएगा बी वाला, दिल्ली में। ग्यारहवा प्रश्न है, इंडियन नेशनल जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो इंडियन नेशनल जीन बैंक स्थित है कोलकाता, नई दिल्ली, हैदराबाद या बेंगलुरु? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी वाला, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ नामक संस्था किससे संबंधित है? अनुवांशिक रूपांतरित कपास या जलवायु परिवर्तन या वर्षा जल संचयन या डी वन उत्पाद? तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका सी वाला, वर्षा जल संचयन। फिर 13वां प्रश्न है, भारतीय मृदा में किस सूक्ष्म तत्व की कमी है? तो हो जाएगा लौह, तांबा, मैग्नीज या जस्ता? तो 13 का आंसर हो जाएगा डी वाला, जस्ता। अगला है 14वां प्रश्न है, अम्लीय मृदा में कौन से पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? कैल्शियम, एल्युमिनियम, आयरन या उपरोक्त सभी? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का ई वाला, कैल्शियम। अगला है 15वां प्रश्न है, मृदा कणों
पर अवशोषित हाइड्रोजन आयनों के कारण उत्पन्न अम्लता को क्या कहते हैं? सक्रिय अम्लता, संचित अम्लता, अस्थायी अम्लता या उपरोक्त सभी। तो 15 का आंसर हो जाएगा ए वाला, सक्रिय अम्लता। 16वां प्रश्न है, मृदा के द्वारा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता क्या कहलाती है? मृदा उत्पादकता, मृदा उर्वरता, उपरोक्त दोनों या उत्पादन। तो मृदा के द्वारा पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने की जो क्षमता होती है इसको बोलते हैं मृदा उर्वरता। 16 का आंसर बी। अगला 17वां प्रश्न है, पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन किसमें करते हैं? एडाफोलॉजी, पेडोलॉजी और पेडागोजी या रेंटजिन। तो 17 का आंसर हो जाएगा ए वाला, एडाफोलॉजी। पौधों के उत्पादन संबंधी मृदा के गुणों का अध्ययन, एडाफोलॉजी। 18वां प्रश्न है, करेल मृदा कहाँ पाई जाती है? मेरठ, आगरा, गाजीपुर या इटावा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गाजीपुर। अगला है 19वां प्रश्न है, किस प्रकार की मृदा में कार्बनिक पदार्थों का प्रतिशत कम होता है, ये पूछ रहे हैं। ठीक है, पीट, दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी या काली मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, पीट मिट्टी। अगला है, धान के पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? अमोनिया, नाइट्रेट दोनों या कोई नहीं। तो 20 का आंसर हो जाएगा सी वाला, दोनों, मतलब अमोनिया और नाइट्रेट के फॉर्म में। यूएनईपी की स्थापना कब हुई? 1927, 1952, 1972 या 2002। तो 21 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी वाला, 1972। अगला प्रश्न है, जड़ों में दीमक से सुरक्षा हेतु किसका उपयोग करते हैं? तुलसी, नीम, गुलर या जामुन। तो किसका उपयोग करते हैं? नीम का। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? बी, नीम। अगला प्रश्न है 23वां, उत्तर प्रदेश सामाजिक वानिकी योजना कब की है? 1970, 1975 और या 1979 या 1985। तो 23 का आंसर हो जाएगा सी वाला, 1979। अगला प्रश्न है 24वां, 15 अक्टूबर 2022 में प्रत्येक गांव में कितने पेड़ लगाए गए? 100, 150, 50 या 75। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी वाला, 75। कितने पेड़ लगाए गए? 75। अगला प्रश्न है, ठोस लकड़ी कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, टुंडा में या मरुस्थलीय क्षेत्र में। तो 25 का आंसर हो जाएगा बी वाला, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। नहीं, ठोस लकड़ी कहाँ पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। ठीक है, ठोस लकड़ी पाई जाती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, और जो मुलायम लकड़ी होती है वो पाई जाती है शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अगला 26वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति कब आई? 2010, 2014, 1999 या 1995। तो 26 का आंसर हो जाएगा बी वाला, 2014। राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति 2014 में आई। अगला है 27वां, समुद्री घास के लिए आवश्यक तत्व क्या है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आयोडीन या कार्बन। तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, आयोडीन। अगला प्रश्न है, किसी पर्यावरण क्षेत्र का नोबेल कहते हैं? रेमर मैक्सेसे, टायलर पुरस्कार या ग्लोबल 500 पुरस्कार या बुकर पुरस्कार। तो 28 का आंसर हो जाएगा बी वाला, टायलर पुरस्कार। अगला है 29वां प्रश्न, कौन उष्ण कटिबंधी आद्र सदाबहार वृक्ष है? रोजवुड, महुआ, चंदन या सागौन। तो 29 का आंसर हो जाएगा ई वाला, रोजवुड। अगला है 30वां प्रश्न है, नम पर्णपाती वनों में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक, 150 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर से कम। तो 30 का आंसर हो जाएगा सी वाला, 30 का आंसर क्या हो जाएगा? 30 का आंसर हो जाएगा सी वाला, 100 से 200 सेंटीमीटर। अगला 31वां प्रश्न है, जहाँ का तापमान पूरे साल 18 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? मेगाफाइट, मेजोफाइट, माइक्रोफाइट या जीरोफाइट। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ई वाला, मेगाफाइट। 32वां प्रश्न है, जहाँ का तापमान पूरे साल 10 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम होता है उसे क्या कहते हैं? तो 32 ऑप्शन है, मेगाफाइट, मिजोफाइट, माइक्रोफाइट या हेकिस्टोफाइट।
तो जहाँ का तापमान पूरे साल 10 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है उसको बोलते हैं हेक्सोस्फाइट। ठीक, चलिए इसके बाद है 3200 प्रश्न। बत्तीस के बाद 3300 प्रश्न है कि जहाँ का तापमान, नहीं जहाँ का मान, यानी जहाँ वर्षा का मान जो है वाष्पीकरण से कम होता है उसे क्या कहते हैं, मेगाफाइट, जीरोफाइट या हाइग्रोस्टोफाइट या मेसोफाइट। जहाँ वर्षा का मान वाष्पीकरण से कम होता है उसे क्या कहते हैं, मेगाफाइट, जीरोफाइट या हाइग्रोस्टोफाइट या मेसोफाइट। तो उसे कहते हैं जीरोफाइट। अगला, कपड़ों को डाई करने में किसका उपयोग करते हैं, जामुन, खैर, गेंदा या अमरबेल। तो 34 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गेंदा। गेंदा का प्रयोग किया जाता है कपड़ों को डाई करने में। अगला प्रश्न है, 35वां प्रश्न है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण क्या कहलाता है, पवित्रोपण, झीलें, बीज बैंक या राष्ट्रीय उद्यान। बाह्य स्थानीय संरक्षण बताना है, तो 35 का आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला, बीज बैंक। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कब बना, 1955, 1977, 1995 या 1983। तो 36 का आंसर हो जाएगा डी वाला, 1983 में। अगला प्रश्न है 37वां, पेरियार किसके लिए प्रसिद्ध है, गैंडा, हाथी, बाघ या शेर। तो 37 का आंसर हो जाएगा बी, पेरियार हाथी के लिए प्रसिद्ध है। IUCN की लिस्ट में घड़ियाल किस में रखा गया है, संकटग्रस्त, संकटापन, अतिसंकटग्रस्त या विलुप्त। तो 38 का आंसर हो जाएगा सी वाला, अतिसंकटग्रस्त, अति संकटग्रस्त है। 38 के बाद 39 है, नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ, रायबरेली, गोंडा, उन्नाव या लखनऊ। तो 39 का आंसर हो जाएगा सी वाला, उन्नाव। फिर गौतम बुद्ध नगर में कौन सा पक्षी विहार है, समसपुर, सांडी, ओखला या उधम। तो 40 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी वाला, ओखला। अगला, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान कब टाइगर रिजर्व घोषित हुआ, 1980, 1994, 2010 या 2015। तो 41वें का आंसर हो जाएगा कब जो है राजा जी राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व बना, 2015 में। अगला है, सिलेंडर लॉरिस को प्रथम अभ्यारण किस राज्य में है, सिलेंडर लॉरिस का प्रथम अभ्यारण किस राज्य में है, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक या केरल। तो इसका आंसर हो जाएगा 42वें का बी वाला, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न है, जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया, 2002, 2003, 2010 या 2012 में। जैव विविधता वर्ष कब मनाया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, 2010 में। चलिए अगला प्रश्न है, जलदा पारा किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथी, बाघ, हंगुल या गैंडा। तो जलदा पारा किसके लिए फेमस है, गैंडा के लिए, 44 का डी। अगला है 45वां प्रश्न, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सिंगलीला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या असम। तो 45 का आंसर हो जाएगा बी वाला, पश्चिम बंगाल में है। अगला प्रश्न है 46, गुंडी राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है, हाथी, थामिन, चीतल, घड़ियाल व मगरमच्छ। तो 46 का आंसर हो जाएगा डी वाला, घड़ियाल व मगरमच्छ के लिए। गुंडी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है बताइएगा कमेंट में आप लोग, चलिए बताए थे तमिलनाडु में है गुंडी राष्ट्रीय उद्यान। 47 है, निम्न में से कौन मछली है, तारा मछली, जेलीफिश, समुद्री घोड़ा या सिल्वर फिश। कौन जो है मछली है ये पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सिवला, जो समुद्री घोड़ा है ये मछली है। अगला है 48, भारत का सबसे विशाल मछली घर कहाँ है, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता या पुणे। तो 48 का होगा ए, मुंबई। अगला प्रश्न है, MV गंगा विलास नदी क्रूज सेवा कहाँ से शुरू हुई, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी या कानपुर। इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। अगला है 50वां प्रश्न, नील कुरुंजी पौधे को क्षति पहुंचाने पर कितने साल की सजा दी जाएगी, ठीक है, 2 साल, 3 साल, 1 साल या 5 साल। तो ये दक्षिण भारत का जो नीलगिरी पहाड़ है वहाँ पे ये पौधा मिलता है और इसको नुकसान पहुँचाने पर आपको 3 साल की सजा का प्रावधान है। तो चलिए ये थे हम लोग के आज के क्वेश्चंस, कैसी सीरीज रही और कैसे प्रश्न हैं आप बताइएगा ज़रूर। चलिए ओके, थैंक यू।